हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मॉर्निंग का टाइम है, ये सैटरडे दिन है और मॉर्निंग 7 बज रहे हैं और मैं जो है उठ के अपना जो है रूटीन वगैरह करके उसके बाद में मैं लग गई हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है सो रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट से जितने हो सके घर के काम निपटा लो, फिर नहीं तो वो उठ जाते हैं तो थोड़ा काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और हस्बैंड भी मेरे घर में है नहीं, तो मतलब तो बच्चों को जो है अकेले जब मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ता है ना, तो मैं थोड़ा सा जो है सोचती हूँ जब वो सो रहे तभी काम कर लिया जाए। तो आज मैं माशू का रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो उसकी तरफ से सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वो उठ गई है। तो वो कुछ 7:20 जैसा उठी थी, वैसे तो वो मेरे पीछे पीछे भी उठ जाती है पर कभी कभी वो लेट भी उठती है। और यहाँ पर मैंने चारों चेयर एक साथ रख दी थी और वो यहाँ पर बैठने की ट्राई कर रही है, तो बैठ नहीं पाएगी तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रोने लगती है। फिर मैंने जो है इसे सेपरेट किया, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी इसलिए मैंने एक ही में रख दिया था। तो माशू जब उठती है तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बहुत सारा प्यार करती है, उसके बाद में उसके दिन की शुरुआत होती है। मैं उसका जो फेस है वो पोछ देती हूँ सुबह सुबह ही थोड़ा सा, और उसके बाद जो है उसको मैं पिलाती हूँ यहाँ पे पानी। तो वो ना पानी जो है ग्लास वगैरह से भी पी लेती है, पर मैं थोड़ा बॉटल से ना उसको थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, इधर उधर थोड़ा गिरता नहीं है, तो बॉटल से पिला दे रही हूँ। माशू बॉटल यूज़ नहीं करती है, सिर्फ पानी पीने के लिए यूज़ करती है, वो भी मैं कहीं जाती हूँ तो मोस्टली मैं बॉटल कैरी करती हूँ, अदरवाइज़ मिल्क वगैरह के लिए उसको बॉटल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह जो है माशू उठती है तो मैं उसे पानी देती हूँ। ये मतलब मेरे घर में मैं सबके साथ में ये रूटीन फॉलो करने के लिए कहती हूँ, हम भी पानी पीते हैं सुबह उठते हैं तो मैं माशू को भी जो है थोड़ा सा सुबह सुबह पहले पानी देती हूँ। और अभी वो थोड़ा सा उठी है तो एकदम से जो है उसके साथ मैं मतलब अभी काम नहीं शुरू करती, मैं थोड़ा देर उसको जो है रिलैक्स होने देती हूँ। और मेरा यहाँ पर थोड़ा बहुत काम है मैं कर लेती हूँ, मतलब मेरा योगा जो है वो मैंने नहीं किया था तो मैं सोची वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है माशू में लगूंगी थोड़ी देर बाद ही। आज मैं माशू के लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में दलिया। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैं दलिया के लिए जो कुछ सब्जियाँ जो है मैंने चॉप की है, उससे पहले उसका बहुत सारे काम कराती हूँ मैं। तो सबसे पहले ना मैं उसको जो है मिल्क पिलाती हूँ और वो मिल्क नहीं पीती है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मुश्किल से वो एक दो चम्मच पिएगी, उसमें भी आधा गिरा देती है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं उसको थोड़ा बहुत भी वो मतलब मिल्क पी ले, लेकिन वो नहीं लेती है। तो बस देख रहे हैं आप कैसे वो अपना मुंडी नीचे नीचे कर रही है, इधर कर रही उधर कर रही, वो पीती ही नहीं है, बहुत फोर्स करती हूँ मैं उसको। तो यहाँ देखिए ये छोटी सी बोल है और आप इसमें देख सकते हो उसने कितना पिया है, इतना छोटा बोल है और इतना ही बस, बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं उसको दिन भर में एक दो चम्मच देने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने उसके लिए जो है ये दलिया सेट कर दिया, जब तक ये विसिल होगी तब तक मैं जो है उसको नहला के लेकर के आऊँगी, लेकिन साथ साथ में मैं अपने काम भी कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा अपना भी जो इंक्लूड कर दूँ तो आपको समझ में आएगा मैं माशू को किस तरह से हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पे जो है कपड़े मैं मशीन में डाल दे रही हूँ, बच्चे उठ गए थे दोनों तो मैंने बेडशीट वगैरह जो है चेंज की थी तो वो सारे मैंने डाल दिए, घर तो मैंने पूरा सेट कर लिया। और यहाँ पर मेरी माशू के लिए जो है मैं अब ये बेड लगाया मैंने, अब उसको जो है मैं मालिश करूँगी। तो नहाने से पहले एक बार अच्छे से मैं मालिश कर दे रही हूँ और एक बार मैं उसको इवनिंग में मालिश करती हूँ, मैं उसको दो बार मालिश करती हूँ पूरे दिन में। तो छोटे बच्चे हैं ना, इनके मसल्स वगैरह स्ट्रांग होते हैं तो मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी माशू को मैंने नहला दिया और नहा के वो पूरी खुश है, और ये उसके कपड़े हैं। और मैं उसे घर में डाइपर नहीं पहनाती हूँ, अगर वो सुसु पॉटी करती है तो मैं चेंज कर देती हूँ, बट मैं उसको डायपर वगैरह बिल्कुल डायपर फ्री रखती हूँ मैं घर में एटलीस्ट, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तो इसलिए, बाहर ले जाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ, या कहीं भी जा रहे हैं तो, या कभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा दिन भर बच्चा से है तो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको धूप लगाती हूँ क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ठंडा ना, या बाल वगैरह मैंने धुले हैं तो इसलिए, तो मैं उसको जो है नहलाने के बाद धूप में ज़रूर लेके आती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने इसको रेडी कर दिया है, और रेडी जैसे ही मैं इसको करती हूँ ना, इसको ऐसा लगता है कि अब हम कहीं घूमने जाएंगे तो ये अपने शूज़ उठा के लाती है मुझे कि पहनाओ, ये इसने डेली का है इसका, दिन में 4-5 बार अपने शूज़ ला के हमें देती है कि पहनाओ और बाहर चलो। तो यहाँ देखिए मैंने इसे शूज़ पहनाने से मना कर दिया तो ये रोने लगी, ये देखिए इतनी ज़ोर से रो रही है यहाँ पर। फिर मैं कभी कभी पहना देती हूँ और वो एक ही शूज़ पहन के ना पूरे घर में घूमती रहती है। और यहाँ पे माशू को जो है मैं खिलाऊंगी दलिया, तो ये दलिया खाएगी माशू, और मेरी माशू दलिया जो है बहुत आराम से खा लेती है, और नित्या भी खा लेती है दलिया, दलिया बच्चों को मुझे लगता है कुछ फेवरेट है।
और यहाँ पे देखिए माशु जो है खुद से खाने के लिए मांग रही है, स्पून दे दो और ये बर्तन दे दो। मैं उसको जब दे देती हूँ ना तो अपने बालों वगैरह में सब में लगा के पूरा फैला देती है, तो मैं इसलिए सोची उसको अच्छे से खिला देती हूँ, कम से कम पेट भर जाए, उसके बाद खेलते रहना। थोड़ा सा मैं एकदम लेफ्ट मतलब एकदम आखिरी में थोड़ा सा छोड़ के और स्पून दे देती हूँ कि खेल लो लो, तो मैं देखती हूँ कि पूरी बॉडी में लगा लेती है, तो इसलिए जो मैं उसको खिला रही हूँ। और वो बहुत आराम से दलिया खा लेती है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दलिया खा लेती है वो। और ये बिल्कुल हेल्दी भी है तो बच्चों के लिए तो अच्छा है। और माशु घूमने के लिए बोल रही थी ना, तो मैंने बेडशीट वगैरह धुली थी, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है मैं ऊपर डाल के आती हूँ तो माशु को भी जो है घुमा देती हूँ, इतना ही वो घूम के खुश हो जाएगी। तो मैं बेडशीट डालने के लिए आई तो उसको लेकर के आ गई थी, तो जब तक मैं कपड़े डाल रही थी वो थोड़ा बहुत जो है छत पर घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी। देख रहे हो कितना आगे पीछे चल रही है, उसको यही तो चाहिए था, थोड़ा बाहर घुमाओ, घर में तो उसको रहने का मन नहीं करता है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं क्योंकि जब वो मुझे तंग कर रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना, वो तो मैं उसको झेल रही थी। और यहाँ पे जो है मैं उसका बेड डाल दे रही हूँ, मैंने उसके 3-4 ऐसे बेड रखे हो तो अल्टरनेट करके जो मैं वॉश कर देती हूँ, तो ये मेरे सामने धूप आ रही है ना तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और बाकी जो है मैंने छत पे डाले कपड़े। और मैंने सारे काम कर लिए, उसके बाद मेरा खुद का भी तो काम रहता है ना, तो मैंने उसको टीवी देख के बिठा दिया है, और देखिए यहाँ पे कितने आराम से वो बैठ के जो है टीवी देख रही है, तो बिल्कुल ये बहुत ही शांति से जो है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख रही है। और मेरे काम पेंडिंग है तो मैंने सोचा मैं इसको ऐसे इंगेज कर देती हूँ, मुझे भी नहाना है, पूजा पाठ, खाना पीना मेरा सब पेंडिंग है, तो इसलिए जो है वो इसमें इंगेज हुई, तो मैंने अपने काम कर लिए। तब तक यहाँ बच्चे नहाने के बाद सोते हैं, पर मेरी माशू का रिकॉर्ड है वो कभी नहीं सोती है, और आप देखना वो बहुत कम सोती है, मैं आपको बिल्कुल उसकी सच्चाई दिखाऊंगी, बहुत मतलब मैं उससे परेशान होती हूँ कभी कभी। तो अभी देखिए वो फिर से शूज़ लेकर के आ गई, कि उसको लगा मम्मा भी अब रेडी हो गई तो अभी शूज़ लेके आती हूँ, शायद अब फिर से मुझे घुमाने लेके जाएगी। तो जैसे ही उसको होता है ना कि अब सब रेडी हो गए तो चलो अब घूमने। तो ये मेरे बच्चों के साथ मेरा प्यारा सा क्वालिटी टाइम। और सैटरडे है, नित्या की छुट्टी होती है, और यहाँ देखिए माशू को दिख रहा है तो फ़ोन चाहिए उसको। फाइनली जब मैंने सारा काम कर लिया तो मैं कपड़े वपड़े डाली, उसके बाद जाके माशू जो है सोई है, तो यहाँ बज गए हैं 11, वो सुबह 7 बजे कुछ आसपास उठी थी और लेकिन सोने का नाम नहीं है उसका, अब जाके सोई है। और वो सोती कितनी देर है मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, बिल्कुल रियलिटी आज मैं आपको दिखाऊंगी उसकी। अभी आफ्टरनून का टाइम है, मतलब 11 बज रहे हैं, और मैं बनाऊंगी लंच थोड़ी देर बाद। तो लंच में मैं बनाऊंगी आज खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं आपको बता दूं मेरे को माशू के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती है, सुबह थोड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि सुबह ना कभी कभी मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो वो इजीली जो नहीं खा पाती है, थोड़ी सूखी सब्जी होती है ना तो उसके साथ मैं बना देती हूँ तो वो नहीं खा पाती, तो सुबह बस वो मुझे दलिया, ओट्स या उपमा इनमें से कुछ ऐसे बनाती हूँ, तो वो इजीली कभी इडली डोसा बनाती हूँ तो वो भी खा लेती है, बस जैसे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ ना उस दिन दिक्कत हो जाती है मुझे, उस दिन जो उसके लिए थोड़ा सा इन तीनों में से कुछ बनाना पड़ता है, और तीनों उसके यही है, मैंने डब्बे में 3 यही रखे हुए हैं, मतलब उपमा, ओट्स और दलिया, ये तीनों ही जो है माशू का खाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वो खा लेती है। और वो ना सॉलिड पे ही है, मैं आपको बता दूं, तो वो दूध वगैरह नहीं पीती है, वो खाने पे ही है, मुझे इवनिंग में भी फिर उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है और वही उसको देना पड़ता है, तो वो खाना ही खा के है, मतलब दूध वगैरह नहीं पीती है वो, बहुत मुश्किल है उसको पिलाना। आफ्टरनून में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दाल और राइस बनाती हूँ, वो दाल चावल जो आराम से खा लेती है, घी थोड़ा सा डाल देती हूँ या कभी दही भी, दही उसको बहुत पसंद है माशू को, तो ये सब इस तरह से खा लेती हूँ। जो भी सब्जी बनाती हूँ उसको भी मैं थोड़ा सा जो है उसमें मिक्स कर देती हूँ। और आज सैटरडे है तो मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और यहाँ देखिए ये उठ गई है, मैंने सोचा कि माशू सो रही है तो मैंने नित्या को बोला आप जल्दी जल्दी से ना अपना होमवर्क कर लो, सैटरडे ही मैं सोचती हूँ उसको होमवर्क कंप्लीट करा दूँ कि संडे थोड़ा फ्री रहे नित्या। तो ये देखिए जस्ट हाफ एन आवर ही वो सोई है, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया अपना, मतलब बोल रही थी मैं वो और कपड़े डाली में और वो उठ गई। और अब खिचड़ी बनाऊंगी, तो खिचड़ी के लिए मैंने ये सारी सब्जियां निकाल दी है, मैं भी खा लूंगी खिचड़ी लेकिन ये सब्जियां मैं डालूंगी थोड़ा बच्चों के लिए, और बाद में जो है मैं उसको जब बॉईल करते समय मैं ये सब्जियां डालूंगी ताकि बच्चों के लिए थोड़ा इजी रहे, फिर बाद में अपने लिए तड़का वड़का कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मिर्च मसाले जो थोड़े कम ही डालती हूँ मैं बच्चों के खाने में,
तो ये माशू का जो है लंच रेडी है। वैसे मैंने माशू को लंच जो है दही उसको पसंद है, तो मैं लंच में उसे दही दे देती हूँ। सुबह दलिया जो मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा घी डाला था, अभी मैंने उसके लिए जो है कर्ड लेके बैठ गई हूँ, और उसने जो कंप्लीट ही कर लिया। थोड़ा मैं रिकॉर्ड जो है लेट की हूँ तो इसलिए दिख रहे हैं उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई है। जब उसका पेट भर गया तो अब उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई है। उसको है ये दही की कटोरी दे दो मुझे, मैं गिरा देती हूँ। तो आपको दिखा रही हूँ वो उसकी साथ साथ में मुझे कितना शैतानी करती है वो। और फिर मुझे लगा कि मैं जो है थोड़ा सा खाना वाना खुद भी खा लूँ, तो फिर मैंने उसको जो थोड़ा सा टीवी देख के बिठाया है और उसको चिप्स दिया मैंने कि खा ले वो, तो वो लेके बैठ के खा रही थी और मैंने अपना खाना जो खाया था। एक घंटे बाद जब मैं सारा काम वाम कर ली ना, एक घंटे बाद एक पार्सल आया जो कि मेरे मायके से आया। मैं वीडियो शूट करी थी इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया, वैसे ये माशू के रूटीन का कुछ नहीं है। तो पार्सल आया और ये पार्सल देख के मैं बहुत खुश हुई थी। आप मेरी शक्ल ही देख रहे हैं क्योंकि मेरे मायके से आया था ना। तो एक्चुअली मेरे भाई ने ना ये तिल की जो स्वीट है ना वो भेजी थी मकर संक्रांति के लिए। तो 15 तारीख को हमारे घर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आपके घर में किस दिन है मुझे कमेंट करना। तो ये तिल की मिठाई है, तिलकुट बोलते हैं हमारे उधर, वो भेजा मेरे भाई ने इतनी दूर मेरे लिए कि पता नहीं उसको वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मतलब तो मेरी मम्मी ने कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो ये आया मेरे घर से। तो ये देखिए ये है वो स्वीट। और पार्सल आया था ना तो थोड़ा बहुत टूट भी जाता है, तो काफ़ी सारा टूट भी गया। तो अभी मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी, मैं ये डब्बा लेकर के आई हूँ। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल नहीं सोई है, ये जब से उठी थी तब से इसने सिर्फ हाफ एन आवर सोई थी। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉटल ढक्कन लेके बैठ गई। और ये देखिए यहाँ पे बज गए हैं 3:15 हो रहे हैं, पर इसका सोने का कोई नामो निशान नहीं है। दिन भर में ये दिन में 10 बार कपड़े बदलवाती है और बस इसी तरह से तंग करती है। शाम को मेरे हस्बैंड आए 2-4 दिन के बाद, तो फिर मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे आलू और प्याज के हैं ये। तो ये जो है मैंने मतलब दिए बच्चों को खाने के लिए। माँ नित्या तो पता नहीं बहुत तंग करती खाने में, माशू मेरी ऐसी नहीं है खाने के मामले में, बाकी तो तंग करती है वो भी बहुत। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको उसमें से पटेटो दिया, तो वो थोड़ा गर्म था ना तो इसलिए मैंने उसको आलू दिया। तो शाम का उसका स्नैक्स हो रहा है। हम मैंने कहा ना आपको हम जो खाते हैं वो खा लेती है, बस तीखा नहीं होना चाहिए या मसाले वाला नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद एक पकौड़ा लेकर भी उसने आराम से खा लिया था, इसमें प्याज था आलू था लेकिन वो सब खा गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी माशू को। और उसके बाद में जो है मैं यही कोशिश करती हूँ कि शाम को बच्चों को घुमाऊँ, तो माशू को भी मैं लेकर के पार्क आई हूँ। डेली ना इवनिंग में हम लोग वॉकिंग वगैरह करने के लिए निकलते हैं, तो बच्चों को थोड़ा ऐसे टाइम अच्छा लगता है। माशू वैसे स्लाइडिंग कर रही थी और स्लाइडिंग करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खुश थी वो स्लाइडिंग करके। अब घर जाने के बाद जो है मैं फटाफट से माशू को जो है एक बार मालिश वगैरह करूँगी और कपड़े चेंज करती हूँ। और उसके बाद मैंने डिनर में बनाया है ये आलू बैंगन टमाटर का चोखा और सत्तू के पराठे हैं ये। और डिनर तक पता नहीं क्यों उसका पेट जो शायद भर जाता है या क्या, वो नाना ना करती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसने जो है खाया ये भी उसको अच्छा लगा था। और फिर वही ज़बरदस्ती उसको 2 चम्मच मैंने मिल्क पिलाया था और फिर इसका सोने का टाइम हो जाता है। तो कैसी लगी मेरी माशू का रूटीन प्लीज़ कमेंट।